यदि आप जीवन में प्रसन्न और सुखी रहना चाहते हैं तो ये चार चाबी हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि आपके जीवन में ये चार प्रकार के लोग हर जगह आपको मिलेंगे। तो पहला मैत्री, दूसरा करुणा, तीसरा मुदिता और चौथा है उपेक्षा। मैत्री का भाव किसके प्रति रखें, यानी मित्रता किनके साथ रखें जिनसे आप सुखी रह सके। हमेशा अच्छे लोगों का चुनाव करिएगा, जो हमेशा प्रसन्न रहते हों, सुखी हों, सकारात्मक विचारों से भरे हों और भगवान के भक्त हों। ऐसे लोगों के साथ अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में भी वो खुद आनंद में है तो उनसे भी आपको आनंद ही मिलेगा। तो आनंदी लोगों के साथ हमेशा मित्रता रखें। करुणा किसके साथ रखें, ऐसे लोग जो बहुत दुखी हैं। दुखी लोगों के साथ यदि आप मित्रता करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनके प्रति करुणा का भाव रखें, उनकी सेवा करें। उनको आप विचारों से क्या दे सकते हैं, यदि आप आर्थिक रूप से उनकी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। और अगर आपके पास तन धन दोनों की ही सहायता नहीं कर सकते तो फिर आप मन से सहायता करें, प्रभु से प्रार्थना करके कि हे प्रभु, आप सब में देखते हैं, सबके प्रति आपका सुंदर भाव है, हरि आप हर जगह हैं, तो आप मेरी आंखों से इस व्यक्ति का दुख देखिए और आप अपनी करुणा से इसके कष्ट हर लीजिए। ऐसे सुंदर भाव से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, यानी करुणा का भाव किन लोगों से जो दुखी हैं। और तीसरा है मुदिता, यानी किसी का यश देख करके प्रसन्न होना। यदि आप यश देख करके प्रसन्न ना हुए तो वही आपकी जलन का कारण बनता है। यदि आप जलेंगे तो आप किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, उस व्यक्ति पर तो आपका थोड़ा भी असर नहीं होने वाला, लेकिन आप पर ये पूरा का पूरा असर होगा, जिससे आपका जीवन पीछे की ओर चला जाएगा और व्यक्ति जल करके अपने आप को ही हानि पहुंचाता है। एक ना एक दिन तो हम सबको जलकर मरना है, लेकिन ईर्ष्या में क्यों जलना? क्योंकि जब आप किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव करते हैं तब आपकी बुद्धि के कपाट बंद हो जाते हैं, आप ना सोच सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज पर आपका केंद्र टिका होता है, ये व्यक्ति कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सफल कैसे हो रहा है, मैं क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों होता है, और यही जलन आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। किसी के यश को देख करके प्रसन्न होना तो हमारी बुद्धि और हमारा मन भी उससे कुछ ना कुछ प्रगति के माध्यम लेकर के हम भी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यदि आप ईर्ष्या करते हैं तो आपकी बुद्धि बंद हो जाती है, मोह में पड़ जाती है और आप कभी भी सफलता के मार्ग पर नहीं अपितु उसके जलन में ही हमेशा जलेंगे, इसलिए प्रसन्न रहिए। और अंत में उपेक्षा। उपेक्षा माने ऐसे लोग जो हमेशा गलत कार्य में इन्वॉल्व हैं या फिर हमेशा निंदा करते हैं, आपके अहित चाहते हैं, ऐसे लोगों से भी इनडिफरेंट रहना, यानी उपेक्षा करना, उनसे दूर रहना। कई बार अगर आप शारीरिक रूप से उनसे दूर ना रह सकें तो मेंटली तौर पर दूर रहना। अभी आपके ऊपर है, ऐसे लोगों के शब्द वचन जो आपको ठेस पहुंचाते हैं उन्हें अपने हृदय के अंदर रखना है या फिर बाहर निकाल देना है, क्योंकि ऐसे लोग प्राय आपको हर जगह मिलेंगे। अब हम भी तो वही करते हैं ना, घर में जब हम सफाई करते हैं तो कूड़ा निकलता ही निकलता है, पर क्या हम अपने घर को ही कूड़ादान बना लेते हैं, गार्बेज बनाते हैं, या फिर हम एक छोटा सा कूड़ादान रखते हैं जिसमें सारा कूड़ा डालते हैं और फिर अगले दिन उसे बाहर फेंक देते हैं। उसी तरह से अब यह आपके ऊपर है, आपको अपना मन कूड़ेदान बनाना है या फिर किसी का कूड़ा आए तो बाहर फेंक देना है, क्योंकि आपके काम की नहीं। और इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो आपके ऊपर है। तो पहला मैत्री, अच्छे लोग, सकारात्मक लोग जो हमेशा अपने जीवन में आनंद से रहते हैं, उनके साथ हमेशा मैत्री का भाव रखें तो आप भी आनंद में आगे की ओर बढ़ेंगे। दूसरा है करुणा, दुखी लोगों के प्रति सेवा करें, उन्हें कुछ अच्छा दे सकते हैं, सकारात्मक विचार दे सकते हैं, धन की मदद कर सकते हैं, अवश्य करें। और तीसरा है मुदिता, यानी जो यश कर रहे हैं अपने जीवन में, यश फैला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उनके प्रति प्रसन्नता व्यक्त करना। चौथा है उपेक्षा, उसका अर्थ है जो गलत कार्य में इन्वॉल्व हैं, निंदा करते हैं, आपसे शत्रु का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों के प्रति आप उपेक्षा का भाव रखें। ऐसे लोगों से शारीरिक और मेंटली तौर पर इनडिफरेंट रहना, यानी दूरी बनाकर रखना। ये चार चीजें यदि आपके जीवन में हैं तो आप जीवन में शांति और आनंद के साथ रहेंगे।